जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग पूछते हैं सन ब्लॉक सन ब्लॉक सन ब्लॉक आप कहते हैं, लेकिन कौन सी स्टैंडर्ड, कौन सी स्ट्रेंथ? देखिए, सन ब्लॉक यूवीए और यूवीबी के खिलाफ होता है और दोनों से प्रोटेक्शन हमें चाहिए, क्योंकि यूवीए एजिंग कराती है, यूवीबी बर्निंग कराती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, जो एसपीएफ का जो नंबर लिखा होता है ना, दैट नंबर इज अगेंस्ट यूवीबी, और यूवीबी हमारी स्किन के लिए इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन में ऑलरेडी मेलानिन की प्रोटेक्शन है। हमें यूवीए से भी ज़्यादा असर पड़ता है, तो यूवीए की प्रोटेक्शन आती है जब सनब्लॉक पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हो। एसपीएफ इज ओनली अगेंस्ट यूवीबी, तो एसपीएफ का जो स्टैंडर्ड है 30 एसपीएफ इज गुड इनफ, वो हमें प्रोटेक्शन देता है। उससे ऊपर जितनी भी हो इट इज़ ओके, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जो बीच पे बैठते हैं और जिनके रंग, जो कॉकेशियंस हैं जिनका रंग बहुत सफ़ेद है, हमारी तरह के लोगों के लिए नहीं। सो हमारे लिए यूवीए यूवीबी दोनों की प्रोटेक्शन चाहिए, एंड देयरफॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक हमें चाहिए। और ये बात मैं आपको बता दूं कि सनब्लॉक हमेशा धूप में जाने से 2 घंटे पहले लगना चाहिए, और ये भी बात बता दूं कि 20 मिनट पहले लगना चाहिए, और 2 घंटे तक इसका असर रहता है। तो आपका 100 SPF का भी सनब्लॉक होगा तो उसका 2 घंटे के बाद असर ख़त्म हो जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। और बाकी ये कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और सन डैमेज जो है उसको 10 साल लगते हैं नज़र आने में। सो अभी जो मेरे फेस पे डैमेज है वो है जो 10 साल पहले मैंने सन एक्सपोजर किया था। सो इट इज़ स्लो, इट इज़ ग्रेजुअल, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर स्किन्स एवरी डे। थैंक यू।